लोग जीवन का कुछ फैक्टर ऐसा होता है जो अच्छे खासे चीजें हमें अच्छे इम्पैक्ट अच्छे फीलिंग दे के चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जो हमें बहुत बेकार भी कर देता है, समथिंग लाइक होप। अगर कोई भी अपने आप से उम्मीद है कर रहे हैं किसी उम्मीद के चक्कर में तुम किए जा रहे हो, उससे किए जा रहे हो, कभी कभी चीज़ें पूरी हो जाती हैं और कभी कभी नहीं पूरी होती, तो बहुत बड़ी दुख मिलती है उस चीज़ को लेकर के। सो इसी प्रकार से ऐसा है कि ब्रह्मास्त्र जो कि धीरे धीरे करीब आ रहा है डेट उसका, आज से 11-12 दिन के आसपास उसका बट रहा है रिलीज डेट। सो 9 सितंबर को थिएटर में लगने वाला है, बट एक्चुअली में उसके पहले इसके बहुत सारे डिटेल्स निकल के आए हैं। लेकिन ये होप वाला फंडा ये था कि अगर कहीं हम इस चीज़ से उतना ज़्यादा होप और उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा बैठे और कहीं उम्मीदें टूट गई तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जहाँ अलग ही दिक्कतें और चल ही रही हैं आजू बाजू से, कहीं ये भी आ गया तो फिर तो बेकार ही है, 3 पार्ट आने की जगह 1 पार्ट के अंदर ही सिमट के रह जाएगा ये चीज़। वैसे ऐसा चीज़ें हो सकता है, मुमकिन है, बट मेन बात यह है कि इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत कनेक्टेड फील करा रही है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो आयन मुखर्जी बचपन से उनके जुड़ी है। उनके वीडियोस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पूरी हिस्ट्री उनके बचपन से जुड़ी हुई है। उनको ये मूवी बनाने के लिए 10 साल लग गए, अवतार जैसा कुछ नहीं बना रहे थे लेकिन 10 साल लग गए उनको इंडियन मैथोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जैसे अस्त्रधारी। सो मे भी अस्त्रधारी तुम्हें नहीं पता होगा कौन है, एक्चुअल में राम जी के बारे में तुम्हें पता है, उनके पास इतने अस्त्रधारी थे, इतने ज़बरदस्त कि अपने को उतना खास चीज़ें नहीं पता है, मुझे खुद को नहीं पता है, लेकिन उनके पास उस लेवल की चीज़ें थी जिन्हें अस्त्रधारी बोला जाता था। सो भाई बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं जो कि हिस्ट्री इसकी काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है, जिस प्रकार से इसकी मैथोलॉजी है, भगवानों से कनेक्शन है, गॉड से किस लेवल का कनेक्ट किया जा रहा है अपने को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर लग रहा है और अपने आप से कनेक्टेड फील कराने का एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश में भी लगे हैं। लेकिन ये जो इनका मार्केटिंग प्लान चल रहा है दिमाग में, वो भी अच्छा लगा मुझे। जैसे कि आपको पता है कि SS राजामौली जब कि साउथ की उनकी मूवी कोई भी आती है वैसे हाई बजट वाली, हक बजट वाली, तो सलमान खान को बुलाया जाता है, उसके जो भी लॉन्चिंग वॉन्चिंग रहता है उसके लिए बुलाया जाता है। बट बेसिकली इसके लिए भी वो काफ़ी हद तक काफ़ी हग लेवल पे इस चीज़ को ट्राई करने के लिए वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं, और एक बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू हो गया, अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल चीज़ें बताने की कोशिश किए जा रहे हैं, और एक कॉन्ट्रोवर्सी से बचने की भी थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है। सो हाँ, एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर SS राजामौली सर को बुलाया गया था एज अ गेस्ट, सो गुरु उसमें बहुत सारी बातें हुई जो कि इसके हिस्ट्री के ऊपर भी बातें हुई कि इसकी हिस्ट्री कितनी बैक तक है, कितना सोचने के बाद इस चीज़ को क्रिएट किया गया है। तो मैं बोलूँ ठीक है, अपने को पसंद है, तुम गॉड से कनेक्ट कर रहे हो, सभी को पसंद आता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है उसे लेकर के, लेकिन भाई क्या ये तुम्हारा जो माल है तुमने 10 साल लगाए हैं क्रिएट करने के अंदर, क्या ये 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास जो भी तुम्हारी ये मूवी है क्या वो इम्पैक्ट डाल पाएगा, क्या वो फील दे पाएगा जिस फील का लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तक उनको नहीं मिला है, कई साल हो गए बॉलीवुड से नहीं मिल रहा है वो एक्सपेक्ट चीज़, क्या ये तुम्हारी 10 साल मूवी वो एक्सपेक्ट दे सकती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ज़्यादा ही करने के चक्कर में चीज़ें गिर जाएँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे इस मूवी में जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र, बहुत बहुत डिफरेंट प्रकार के अस्त्र हैं, वायु अस्त्र, हर एक अस्त्र अपने आप में यूनिक अस्त्र है, नंदी अस्त्र हो गया, बट जो मेन चीज़ तुम्हारा था SRK का कैमियो जो कि 25-30 मिनट के आसपास का था, SRK का कैमियो वानर अस्त्र जो कि तुमने हैज जो रिवील कर दिया या लीक हो गया, जो भी हुआ इसका बावजूद लीक हो गया, ये सबके सामने आ गया। सो ये तुम्हारे मूवी का सबसे मेन फैक्टर था और हो सकता था अगर रहता तो, लेकिन अब रिवील हो गया तो उसका कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ा इस चीज़ को देखकर, थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ा कि वानर अस्त्र में SRK हैं, और मैं भी नहीं चाहता कि SRK इसी फर्स्ट पार्ट में ही मर जाएं, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है, उम्मीद लगा के बैठे हैं सब। लेकिन इसमें जब भी जो भी अस्त्र है वो तो ठीक है, लेकिन ये बंदा अब जहाँ तक गया
अपने SRK का लुक खोल दिया, खुल गया, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो गई कि पहले हम लोग कन्फ्यूज थे कि ए वाला लुक जो है वो SRK का है या ओ है, ये दोनों चीज़ों में अपने को कन्फ्यूजन था, लेकिन अब एक तो कन्फर्म हो गया। बट इसका उम्मीद लगा सकते हैं, क्या ये रणबीर कपूर ही हैं या कोई नया कैरेक्टर है ए? और अपने को कुछ चीज़ें और नहीं दिखाई गई, जैसे कि और देखो जलस्त्र का वो सीन भी अपने को नहीं दिखाया गया कि वो एक्ट्रेसेस एक्चुअली में है कौन, इसके बारे में भी अपने को नहीं बताया गया। लेकिन इसका जो रामायण से लेके जो इनकी मैथोलॉजी हो गई, जो अपने कल्चर के साथ ये सारी चीज़ें लेके जो कनेक्ट फील है ना, वो मेरे को लग रहा है कुछ क्रिएट कर सकता है, ऐसा उम्मीद लगाए बैठे हैं हम भी तुम भी। सो मे भी ऐसा कुछ कर जाए, जितना भी इन्होंने ट्राई किया, जितनी भी कोशिश की है। हाँ थोड़ी बहुत बात हो रहे हैं कि गुरु बहुत ही ज़्यादा रंगा बिरंगा जैसा खेल चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कलरफुल, मतलब कुछ ज़्यादा ही कलरफुल चीज़ें अपने को देखने के लिए मिली हैं। इसके ट्रेलर अपने देखा था अपने, तब अपने को इतना सारा चीज़ें देखने के लिए मिला था, उसके ट्रेलर में कितना रंगा बिरंगा चीज़ें देखने के लिए मिली थी। बट क्या है एक्चुअली रणबीर कपूर उस प्लॉट को सेट कर पाएंगे? क्या स्टोरी अपने प्लॉट को सेट करते हुए एक अच्छे खासे अग्नि अस्त्र के हीरो को अपने इंट्रोड्यूस करा पाएगी? क्या वो ब्रह्मास्त्र हासिल कर पाएगा? सो ऐसे बहुत सारे उम्मीदें हैं इस मूवी से, लेकिन मे भी ये उम्मीदें बॉलीवुड के खरी उतरे और बॉलीवुड कुछ तो कुछ सपोर्ट पे ला दे भैया, जहाँ तक उन घिर चुके हैं मे भी कुछ उनके लिए भी उम्मीदें होप पैदा कर दे, जितना होप हम लगाए बैठे हैं, हमसे ज़्यादा होप वो लोग लगाए बैठे हैं कि कुछ तो हो जाए कि हम भी बच जाएं। क्योंकि अगर ये आने वाली दो मूवी गई तो समझो इस साल गया, बॉलीवुड का फिनिश हो गया, ये साल ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर विक्रम वेदा हो गया और ब्रह्मास्त्र, ये मूवी अगर दो गई तब गुरु कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता, सिंपल सा फंडा है। बट ओवरऑल तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम इसके हिस्ट्री हो गया, इसके जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो गॉड से, जो भगवानों से कनेक्टेड है, क्या तुम इसको लेकर इंटरेस्टेड हो? क्या तुम इसे देखने जाओगे कि बायकॉट के फंडे में तुम भी फंसे पड़े हो? आलिया भट्ट को हर जगह इस चीज़ से दूर रखा जा रहा है अब, लेकिन अच्छा है ऐसी हो ना प्रेग्नेंट तो अच्छा बात है, बहुत सही है कि कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहोगे तो अच्छी बात है। बट क्या तुम इसे देखने जाओगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में तुम इसके बारे में जरूर बताना, और इसकी हिस्ट्री से लेकर तुम्हारा क्या थॉट्स है इसके बारे में भी बताना। और अभी तक मेरी नई वीडियो तुमने नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, उस लाल बेल बटन को दबाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मजा आएगा ना वीडियो।